चलो बच्चा अभी हम आगे चलते हैं। वोल्टास इलेक्ट्रिक लिमिटेड परचेज फॉलोइंग असेट एंड लायबिलिटी फ्रॉम द नवरंग ट्रेडर्स। तो आप बोलोगे सर वोल्टास लिमिटेड है वो परचेजर है और वेंडर जो है वो नवरंग ट्रेडर है। पहले ये समझ में आया ये लाइन में वेंडर कौन है? तो आप बोलोगे नवरंग ट्रेडर्स वो क्या है? वेंडर है, बेचने वाला है। समझ में आया? आगे चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये तीन चीज आप बोलोगे असेट है। और आप बोलोगे स्टॉक, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, जिसमें आप बोलोगे स्टॉक एंड डेटर्स असेट है और क्रेडिटर है वो लायबिलिटी है। आगे चलते हैं। डिसाइड टू पे द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 15,36,000। वोल्टास इलेक्ट्रिक लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाई इशूइंग 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो बहुत कुछ दिया हुआ है, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपको हेडिंग लगाना हो तो वो लगा दो, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एनी बिजनेस। हम जो बिजनेस परचेज कर रहे हैं उसके रिलेटेड बात हो रही है। अभी आप बोलोगे सर जब भी हम परचेज करते हैं तो हमें तीन चीज चाहिए, एक है नेट एसेट, एक परचेज कंसिडरेशन और आप गुडविल जो भी कैलकुलेशन है वो आपको करना पड़ेगा। तो नेट एसेट है वो आप बोलोगे सर हमें चाहिए टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। तो हम कैलकुलेशन उसके लिए स्टार्ट करते हैं। टोटल एसेट आप बोलोगे सर हमारे सामने जो दिया हुआ है, हम लिखना शुरू करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख, मशीनरी 2,75,000, फर्नीचर आप बोलोगे 1,20,000, यहां पे स्टॉक जो होगा वो लिखेंगे 2,25,000, डेटर्स 80,000। तो ये हो जाएगा टोटल असेट। लायबिलिटी में बच्चा आप बोलोगे क्रेडिटर्स जो है वही है 80,000, यहां तक हो गया। परचेज कंसिडरेशन आप बोलोगे सम में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, हम कितना पेमेंट करने वाले हैं, 15,36,000। तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया। कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 लाख बच्चा टोटल असेट और यहाँ पे 80,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 लाख माइनस 80,000, तो 14,20,000 आपकी नेट असेट है। तो आप बोलोगे सर पेमेंट करना था 14,20,000, पेमेंट किया गया 15,36,000। आप बोलोगे सर आपने ज्यादा पेमेंट किया है तो गुडविल आएगी। तो हम लिखते हैं कैलकुलेशन में परचेज कंसिडरेशन पीसी, पेमेंट जो होने वाला है वो 15,36,000, जो हमारे पास नेट असेट है वो 14,20,000 है। तो आप बोलोगे सर गुडविल बिजनेस में हमें ज्यादा परचेस जो पेमेंट किया हुआ है वो कितना है? तो आप बोलोगे सर ये जो है 1,16,000 गुडविल का हमें ज्यादा पेमेंट हुआ है। यहां तक क्लियर? अभी आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखना है, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करेंगे। तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ डिबेंचर आप बोलोगे सर परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय अमाउंट पेड कितनी है वो लिखते हैं। तो अमाउंट पेड, तो आप बोलोगे सर हम यहाँ पे है टोटल परचेज कंसिडरेशन 15,36,000 और यहाँ पे बोला हुआ है 120 सर आप पेमेंट करोगे। ईच डिबेंचर कितना है? 120। कैलकुलेशन पार्ट बच्चा हम लिख लेते हैं तो 12,800 आएगा। कितना आएगा? 12,800 यहाँ पे हम लिखेंगे तो डिबेंचर में जाएगा 12,800 इंटू 100, जो आप बोलोगे सर ये हो गया 12,80,000। एंड डिबेंचर में प्रीमियम में, क्योंकि 20 रुपीज प्रीमियम में जाएगा, शेयर प्रीमियम मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड यूज करें तो 12,800 इंटू 20 करोगे तो आप बोलोगे 2,56,000 आपका प्रीमियम होगा। बच्चे ये वर्किंग नोट होगी तो ही आपका सम होगा, तो वो बहुत जरूरी है कि आपको प्रॉपर वर्ड टू वर्ड समझना बहुत जरूरी है। जनरल एंट्री अभी बहुत इजीली हो जाएगी। पहली जो एंट्री होगी डेट तो सम में दिया नहीं है, जहां तक है कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सीधा 1-2 करके ही लिखना है। फर्स्ट एंट्री सारी असेट अकाउंट डेबिट होगा, जिसमें आप एक गलती करोगे, गुडविल लिखना भूल जाओगे, क्योंकि ये भी हमने ज्यादा पेमेंट करके असेट परचेज की है
ऐसा ही बोला जाएगा। तो आप बोलोगे सर लिखो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बच्चा देखो मैं भी लिख रहा हूं, आपको भी ऐसे ही लिखना है, वर्किंग नोट करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं सीधा सम करने लगे, क्योंकि बच्चा कर तो लेते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कई बच्चे प्रॉपर करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, छोटी सी भी गलती हुई तो आपका पूरा सम रॉन्ग जाएगा। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो, स्पीड थोड़ी प्रैक्टिस से आएगी। कई बोलेंगे सर पेपर कैसे खत्म होगा, तो पेपर बच्चा प्रैक्टिस से खत्म होता है, क्योंकि आपने जितने सारे सम किए होंगे उससे प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी ऑटोमेटिक पेपर भी जल्दी खत्म होगा। डेटर्स लिखा जाएगा 80,000, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट गुडविल, आप भूल जाओगे तो गुडविल अकाउंट भी डेबिट होगा। क्रेडिट में फिक्स है, आप बोलोगे सर एक तो लायबिलिटी लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं लायबिलिटी में पहली जो लायबिलिटी है वो क्रेडिटर है, वो आप बोलोगे 8080 लिख दो सर। यहाँ पे जो एक पर्सन है उनका नाम क्या है, तो आप वेंडर का जो नाम है वो हमारा था वोल्टा स्टोव परचेजर है, तो नवरंग ट्रेडर है, तो नवरंग ट्रेडर को पेमेंट करेंगे। क्लियर है, कितना पेमेंट होगा तो 15,36,000। क्लियर, अभी ये एसेट को लिखना शुरू करते हैं, तो यहाँ सारी एसेट वो लिखी जाएगी 8,00,000, दूसरा है 2,75,000, 1,20,000, 2,25,000, डेटर्स 80,000, गुडविल है 1,16,200। आप बोलोगे सर ये तो पूरा समझ में आ गया। एक पॉइंट आप बोलोगे सर यहाँ 16,000 है, अमाउंट गलती हुई तो बच्चा पूरा सम गलत हो जाएगा, तो वो ध्यान में रखना है। लास्ट एंट्री सेकेंड पॉइंट जिसको हम बोलेंगे इश्यू करेंगे, अभी हम नवरंग ट्रेडर को जो पेमेंट करेंगे वो कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर आप डिबेंचर इश्यू करोगे, डिबेंचर का जो परसेंटेज देखना है वो 11% डिबेंचर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 11% डिबेंचर, और यहाँ पे शेयर प्रीमियम अकाउंट। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे जो पेमेंट होगा 12,80,000 और 2,56,000 यहाँ लिखा जाएगा, और आप टोटल करके ये तो टोटल करोगे तो 15,36,000 आपका आ जाएगा, वो टोटल पेमेंट आपका हुआ होगा। तो इसके साथ बच्चा हमारा कैलकुलेशन खत्म, और ये पॉइंट भी खत्म, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और जब आप असेट परचेस करोगे तो कैलकुलेशन कैसे होगा, और आप बोलोगे सर जब हम इंडिविजुअल असेट लेंगे और पूरा बिजनेस परचेस करेंगे तो कैलकुलेशन कैसे होगा। इसके लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने पहले से ही लिख दिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 आप प्रॉपर करना बच्चा, तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा शांति से स्टेप बाय स्टेप क्लियर करो ये गुडविल वाला पॉइंट, ये पेमेंट किया वो वाला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस थोड़ी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, शांति से लिखते जाओ समझते जाओ, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, जितना हो सके उतना जल्दी मैं आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। प्रॉपर नोटबुक में लिख दो, और प्रैक्टिस के लिए इलास्टेशन 9 लिख के करना वो बहुत जरूरी है। चलो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक पॉइंट के।